महकमे बहबूद आबादी चकवाल के ज़ेर एहतमाम मुतवाज़न ख़ानदान के उन्वान से मुशावरती नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस नशिस्त में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान और कालम नवीस हज़रात ने शिरकत करके हुकूमत पंजाब के बहबूद आबादी प्रोग्राम पर अमल दरामद को असर हाजिर के तकाज़ों से हम आम करने के लिए तफसीली तजावीज़ दी। मुशावरी नशिस्त के आगाज़ पर डिस्ट्रिक्ट पापुलेशन वेलफेयर आफिसर वजात अली मलिक ने एडवोकेसी मुहिम के गर्ज़ो ग़ायत और इस मुहिम में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान व कालम नवीस हज़रात के किरदार व तआवुन पर तफसीली रोशनी डाली। इस मुशावरी नशिस्त में रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रोग्राम मैनेजर अकील अहमद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अंजुम कदीर, तहसील पापुलेशन वेलफेयर ऑफिसर राहिल बशीर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुशावरती नशिस्त में शरीक साफी हजरात ने बहबूद आबादी प्रोग्राम पर मुअसर व मरबूत अमल दरामद के सिलसिले में इजहार ख्याल करते हुए मुतअद्दद मुफीद तजावीज़ दी और ये बात बतौर ख़ास कही कि कौमी वसाइल आबादी में है हंगम इजाफे के बोझ के मुतहम्मल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आबादी का बढ़ता हुआ दबाव मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है और वसाइल पर आबादी के दबाव को कम करने के लिए ज़रूरी है कि मुआशरे के तमाम ज़ी शऊर तबकात कौमी काज को समझे और मुतवाजन ख़ानदान की तरवी के लिए एडवोकेसी मुहिम का हिस्सा बने। आखिर में डिस्ट्रिक्ट पापुलेशन वेलफेयर ऑफिसर वजात अली मलिक ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और उनकी तरफ से दी गई मुफीद आरा व तजावीज़ का भरपूर खैर मकदम करते हुए कहा कि एडवोकेसी मुहिम के दौरान इन तजावीज़ से मुकम्मल इस्तफादा किया जाएगा। उन्होंने साफ़ती बरादरी से अपील की कि मुतवाजन ख़ानदान की तरवीक के लिए एडवोकेसी मुहिम में महकमे बहबूद आबादी को मुस्तकिल बुनियाद पर तआवुन फराहम किया जाए। इस मौके पर शुरका साफ़ी हज़रात में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब चकवाल।